खाना खजाना देखने वालों को मेरा यानी संजीव कपूर का नमस्कार। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ वेजिटेरियन डिशेस आपको दिखा रहे हैं, आज भी कुछ वेजिटेरियन रेसिपीज देखें। शुरुआत करेंगे हम एक अरबी डिश से, जो अरबों के लिए नहीं सबके लिए है, अरबी से बनी है, अरबी यानी कलकेसिया। तो देखते हैं खट्टी अरबी। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम अरबी, 4 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, होल गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, 4 बड़े चम्मच तेल, 100 ग्राम इमली, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 3/4 कप कोकोनट मिल्क। खट्टी अरबी के लिए अरबी को पहले छील लें। ये देखिए, जो अरबी होती है इसको धोइए नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी लेस होता है, तो इसलिए बगैर धोए इसको पहले छील लें। छीलने के लिए आप छुरी से सिर्फ इसको स्क्रेप करेंगे तो ये छिल जाएगी। और उसके बाद अरबी को इस तरह से बीच में से काटते हैं और इसको हमने थोड़ा सा गोल शेप देनी है, जिस तरह से सोचें कि यदि छोटे छोटे आलू हों तो किस तरह की शेप होगी। इस तरह से गोलाई में काट लें। इसी तरह से दूसरा पीस भी। और उसके बाद इस अरबी को हम डीप फ्राई करेंगे। जब तक ये डीप फ्राई होती है तब तक इसकी हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए घी या तेल ले लें आप। जब ये तेल गरम हो जाए तो उसके अंदर डालें होल गरम मसाला, यानी तेज पत्ता डालें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी। और जब ये इलायची थोड़ी फूट जाए तब इसके बाद इसमें डालें चॉप प्याज, यानी प्याज को बारीक काट कर इसके अंदर डालें। और इस प्याज को हमने भूनना है। जब तक प्याज भुने तब तक आप एक बर्तन के अंदर इमली ले लें, उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको गर्म कर लें और उसके बाद उसको छान लें। हमें इमली का पानी चाहिए क्योंकि ये खट्टी अरबी है और खटाई यहाँ पर है इमली की। टमाटर तो हम डालेंगे ही, लेकिन जो असली खटास है वो आएगी इमली से। जब ये प्याज थोड़ी देर तक पक जाए उसके बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। क्योंकि ये अरबी की ग्रेवी हम प्याज से बना रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि ये जो प्याज है ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी प्याज में जब टमाटर मिलेगा अच्छी तरह से पकेगा तब उसकी ग्रेवी एकसार होगी। नहीं तो यदि प्याज कच्चे हैं तो आपको प्याज का कच्चापन ग्रेवी में नजर आएगा। और कई बार ऐसा लगता है जब आप कोई भी ग्रेवी देखें उसमें प्याज कच्चा है तो हम लोग प्रोफेशनल्स ऐसा समझते हैं कि इन्हें खाना बनाना नहीं आता। तो आपको ग्रेवी अच्छी बनानी है, एक सार बनानी है, तो प्याज को हमेशा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करें और साथ में ये ध्यान रखें कि प्याज जले नहीं। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें। कई बार ऐसा होता है कि आप ग्रेवी बना रहे होते हैं और प्याज ऐसा आपको लगता है कि अब जल जाएगा। यदि आपको कुकिंग उसी वक्त रोकनी है तो उसके अंदर थोड़ा पानी का छींटा मारें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डालें, लाल मिर्च पाउडर डालें,
को मिक्स करने के बाद इसके अंदर चॉप्ड टमाटर डालें। टमाटर को छोटा छोटा काट के अब इस प्याज के साथ पकाएंगे। और साथ साथ देख लें कि ये जो अरबी है ये पक रही है या जल रही है। जब ये अरबी तल के गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके बाद उसको निकाल लें। ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा रंग आ गया इस अरबी का। यदि आप अरबी नहीं खाते तो उसकी जगह आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिश में, लेकिन डिश का नाम जरा बदल दीजिएगा, उस समय उसको खट्टी अरबी की जगह खट्टे आलू कर दीजिएगा। इसमें से जो तेल है वो किसी कपड़े के अंदर सुखा लें या किसी कागज के ऊपर सुखा लें। जब इस प्याज और टमाटर में से तेल ऊपर आ जाए इसका मतलब है ये तैयार हो गया है। अब इसके अंदर आप इमली डालें, इमली का पानी। और इसके साथ डालें ये तली हुई अरबी। और अब डालें इसके अंदर नमक और चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। और इसके बाद डालें इसमें कोकोनट मिल्क और इसके बाद इसमें डालें पानी। पानी डालकर इस अरबी को दम पे पकने दें करीब 10 मिनट तक धीमी आंच पर, ताकि जो जितने टेस्ट हैं वो अरबी के अंदर तक चले जाएं। अरबी के बाद अब हम देखेंगे मकई मशरूम। इसके अंदर मकई के दाने और मशरूम डालेंगे। मशरूम मुझे बहुत पसंद है, इसलिए बार बार मैं मशरूम की कोई ना कोई डिश आपको बताता हूं, और वो इसलिए क्योंकि मशरूम खाने में बहुत हेल्दी होते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मशरूम शायद कोई नॉन वेज डिश है, ऐसी बात नहीं है। मशरूम प्योर वेजिटेरियन चीज होती है, आप खा के देखिए, अच्छी तरह से बने हुए मशरूम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मकई मशरूम के लिए हमें चाहिए 1 कप मकई के दाने, 2 कप कटी हुई मशरूम, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 छोटा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच मेथी सीड्स, 1/4 चम्मच सौंफ, नमक स्वादानुसार, 3 बड़े चम्मच तेल, 1/2 कप दही और 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। मकई मशरूम के लिए आप फ्रोजन मकई ले लें, नहीं तो मकई के दाने जो होते हैं सूखे हुए उसे उबाल लें, नहीं तो आप चाहें
तो जो स्वीट कॉर्न होता है उससे भी इस डिश को ट्राई कर सकते हैं। एक बर्तन में तेल ले लें, तब तक हम मशरूम काट लेते हैं। फ्रेश मशरूम का आप इस्तेमाल करें इसके लिए। स्टेम उसकी निकाल कर उसको छोटे पीसेस में काट लें इस तरह से। जो फ्रेश मशरूम का टेस्ट होता है वो कैंड या टिन मशरूम का नहीं होता, इसलिए फ्रेश मशरूम का इस्तेमाल करें और इस तरह से मशरूम को काट लें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसके अंदर तड़का देंगे हम मेथी सीड, कलौंजी और सौंफ का, और इसके बाद इसमें डालें प्याज, प्याज को एकदम लाल कर दें। अच्छी तरह से प्याज को भूनना है, इसलिए तेज आंच पर प्याज को भूनें। इस तड़के के अंदर जो हमने तीनों चीजें डाली हैं, यानी सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी, वो तीनों पेट के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं। जब प्याज लाल हो जाए तब उसके बाद उसमें चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालें। और उसके बाद इसमें डालें मकई के दाने, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा पानी डालकर इस मकई को और पकने दें। जब मकई के दाने कुछ देर इसके अंदर पक जाएं, तब इसमें टमाटर डालें। और अब इसके अंदर डालें दही। जब भी आप दही का इस्तेमाल किसी ग्रेवी में करें तो उसको पहले फेंट लें और उसके बाद डालें। और अब इसके अंदर डालें नमक और इसे तब तक पकाएं जब तक ये जो पानी इसके अंदर है वो बिल्कुल सूख ना जाए। जब इसमें से पानी एकदम सूख जाए तब इसमें डालें ये कटे हुए मशरूम। ये मशरूम को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब इसके अंदर डालें गरम मसाला पाउडर। और इस पे हरा धनिया डालें। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर इसे दम दें करीब 7 से 8 मिनट तक, ताकि मशरूम भी पक जाएं और तैयार हो जाए लजीज मकई मशरूम। अब मैं आपको बताऊंगा दाल पंचवटी।
जी हाँ, पंचवटी से आई है ये डिश। खैर, इसका नाम शायद इसलिए पड़ा क्योंकि पांच दालों से मिलके बनी है ये दाल, दाल पंचवटी। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप अरहर की दाल, 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप मूंग की दाल, 1/4 कप मसूर की दाल, 1/4 कप उड़द की दाल, 2 बड़े चम्मच घी, 4 सूखी लाल मिर्चें, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच, 1 छोटा चम्मच हल्दी और नमक स्वादानुसार। सबसे पहले जितनी दालें हैं उनको चुन लें, चुनना मतलब उनको बीन लें ताकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें ना हो, पत्थर नहीं हो। अच्छी तरह से जब आप चुन लें उसको पानी में भिगो दें करीब 1/2 घंटे तक। ये जितनी दालें हैं उसका भीगना ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ पे मूंग दाल इस्तेमाल की है, आप चाहें तो जो मूंग दाल है वो छिलके वाली ले सकते हैं, नहीं तो बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं। उसके बाद इन सब दालों को हम पकाएंगे। जो दालें भीगी हुई हैं उनको लें, चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, अरहर या तूर दाल और मसूर दाल। पानी डालने के बाद इसमें नमक और हल्दी डालें। और इसके बाद इसको पकने दें, ढक्कन लगा दें और इसको पकने दें। अब हम ये जो लाल मिर्चें हैं इसको थोड़ा पका लेते हैं। पानी डाल के इन लाल मिर्चों को आप उबाल लें। जब ये लाल मिर्चें उबल के थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं उसके बाद इसकी हम पेस्ट बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। इसके बाद इसकी पेस्ट बना लें। यदि आपको इसमें पानी डालने की आवश्यकता पड़े तो वही पानी डालें जिसमें आपने इन मिर्चों को उबाला था, क्योंकि उसके अंदर भी मिर्चों का काफी टेस्ट और कलर रह जाता है। उसके बाद इस पेस्ट को आप निकाल के रख लें। जब हम इस दाल में तड़का लगाएंगे तब इस पेस्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। दाल जब पक रही होती है तो कई बार उसके ऊपर स्कम आ जाता है, आप उसको निकाल लें। और इस दाल को पकने दें। तड़के के लिए एक पैन में घी ले लें। जब ये घी गर्म हो जाए उसके बाद इसमें जीरा डालें। जीरा जब थोड़ा पक जाए तो फूटना शुरू हो जाता है, उस समय इसमें गार्लिक डालें यानी लहसुन। और उसके बाद इसमें डालें प्याज। आपने देखा कि हमने जो गार्लिक डाला है इसके अंदर वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए पकाया है। इसी तरह से जो प्याज है उसको भी बहुत कम पकाना है हमने, एकदम लाल नहीं करना, क्योंकि इस दाल में जो लाली आएगी वो किसी चीज को लाल करने से नहीं, लाल मिर्चों से आएगी जो हमने बॉईल करके जिससे पेस्ट बनाई। और अब इसके अंदर डालें ये लाल मिर्च जिसको हमने पेस्ट बनाया है। थोड़ी ज्यादा लाल मिर्चें डालें दो चीजों के लिए, एक तो रंग आएगा लाल अच्छा और थोड़ी सी करारी दाल बनेगी। मसाले में इसको मिक्स कर लें। और अब इसके अंदर डालें कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी इस मसाले में मिला लें। आप देखेंगे कि इसके अंदर हमने कोई ज्यादा मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ जीरा हमने डाला है और उसके साथ डाला है इसके अंदर लाल मिर्च जिसको बॉईल करके पेस्ट बनाया है। किसी गर्म मसाले का इस्तेमाल हमने नहीं किया है।
जब ये दाल पक जाए तो इस मसाले को हम इसके अंदर डालेंगे। इसके लिए हमने दाल को पूरा एकदम गलाना नहीं है, गलाने का मतलब कि एकदम उसका हलवा नहीं बनाना है, दाल थोड़ी खड़ी रहनी चाहिए इसके लिए। इस तड़के में से भी इसका घी निकल गया है, इस तड़के को इसके अंदर डाल दें, इसको अच्छी तरह से मिला दें। ये देखिए कितना अच्छा लाल रंग आ रहा है इसका, और तकरीबन ये दाल पंचवटी तैयार है। इसके अंदर डालें हरा धनिया। धनिया डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको धीमी आंच पर करीब 5 से 7 मिनट तक पकने दें, ताकि ये जो तड़का है वो इस दाल नहीं, इन दालों में अच्छी तरह से मिल जाए और आपको स्वाद आए वही पंचवटी का।